हेलो फ्रेंड्स, तो यार पहले लोग स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर को देखने के लिए पागल हो रहे थे और अब वहीं लोग स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर को देखने के लिए पागल हो रहे हैं, क्योंकि यार अपनी भूख तो कभी खत्म ही नहीं होती और बात जब स्पाइडरमैन की हो तो ये भूख लगना लाजमी भी है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर सेकंड ट्रेलर कब रिलीज होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू और बधाई, क्योंकि अब हमारे फिल्मी ZN की फैमिली 10,000 प्लस मेंबर्स की हो चुकी है और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये माइलस्टोन अचीव नहीं हो सकता था। तो यार उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं अगला Q&A जरूर करूंगा, इसलिए आपके जो भी सवाल है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी तो वहां जाकर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। लेकिन यार मेरा नाम और एज मत पूछना, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलो यार बहुत हो गया सेल्फ प्रमोशन और अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि आखिर दूसरा ट्रेलर आएगा कब। तो यार दूसरे ट्रेलर के आने की जो 99% चांसेस हैं वो है 25 अक्टूबर यानी कि इसी मंडे को, क्योंकि दोस्तों आप बड़े बड़े वेबसाइट्स पे जाकर देख लो या फिर ट्विटर पे जाकर देख लो, सभी लोग 25 अक्टूबर को ही बेस्ट डेट बता रहे हैं। और मैंने भी यही बताया था कि 25 अक्टूबर को ही स्पाइडरमैन का ट्रेलर ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि यार ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी दूसरा ट्रेलर आएगा तो उसके बारे में काफी दिनों तक इंटरनेट पे बातें होने वाली है, क्योंकि सोर्सेस के मुताबिक सेकंड ट्रेलर के आखिर में हमें टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड भी दिखने वाले हैं। और यार अगर सच में ऐसा हो गया तो जो क्रेज और हाइप थी स्पाइडरमैन नो वे होम की वो बढ़कर डबल ट्रिपल 200 हो जाएगी और कम से कम 10 दिनों तक तो हम स्पाइडरमैन के ट्रेलर की ही बात करते रहेंगे। और इसलिए 25 अक्टूबर को ही ट्रेलर ड्रॉप होना चाहिए ताकि स्पाइडरमैन की बातें भी हो जाएं और इटर्नल्स जो कि 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है उसके लिए भी लोग रेडी हो जाएं। क्योंकि यार मान लो अगर 25 तारीख को ट्रेलर नहीं आता तब जो नेक्स्ट रिलीज डेट होगी ट्रेलर की वो पक्का 100% 1 नवंबर ही होगी, लेकिन उस केस में मेरे हिसाब से इटर्नल्स की हाइप नहीं बन पाएगी, क्योंकि लोग सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम की ही बात करते रहेंगे और इटर्नल्स के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए वेनम लेट देयर बी कार्नेज को ही ले लो, उसके मूवी के बारे में लोगों ने उतनी बात नहीं की जितना कि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात की। क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन है उसमें। और दोस्तों किसी भी मूवी की हाइप बनाने का काम हम यूट्यूबर्स का होता है और ये बात मार्वल भी बहुत अच्छी तरह से समझता है, और इसलिए अगर मार्वल की मूवीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूट्यूबर्स उनके क्लिप्स को यूज भी करते हैं तो वो हमें अलाउ करता है थोड़े बहुत क्लिप्स को यूज करने के लिए। लेकिन वहीं अगर आप डीसी की बात करें तो डीसी बिल्कुल भी अपनी मूवी क्लिप्स की यूजेज अलाउ नहीं करता। और दोस्तों कल देसी नट ने भी कम्युनिटी पोस्ट के जरिए बताया था कि अब डीसी के ऊपर वो ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बैटमैन ट्रेलर के ब्रेकडाउन वाले वीडियो में किसी ने कॉपीराइट क्लेम मार दिया। सही है यार, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल तुम्हारी मूवी की हाइप बढ़ा रहा है और तुम उसी की दुकान बंद करने पे तुले हो। खैर दोस्तों मैं ये कह रहा था कि अगर 25 अक्टूबर को स्पाइडरमैन का ट्रेलर नहीं आता है और उसकी जगह 1 नवंबर को आता है तो फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इटर्नल्स पे 1-2 वीडियो बनाएंगे और बाकी टाइम सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर की ही बात करते रहेंगे, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट इटर्नल्स पे उतना ज्यादा नहीं जाएगा और जो माउथ पब्लिसिटी होती है किसी भी मूवी की वो इटर्नल्स के लिए उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यार सभी के दिमाग में स्पाइडरमैन ही घूमता रहेगा एंड आई डोंट थिंक कि मार्वल ऐसा रिस्क लेगा। इसलिए 25 अक्टूबर ही मेरे लिए बेस्ट डेट है। इसलिए यार तुम लोग अपना अपना अलार्म लगा लेना मंडे को, क्योंकि मार्वल अपने सारे ट्रेलर्स को सुबह सुबह ही रिलीज करता है। नो वे होम का पहला टीजर भी सुबह के 7 बजे रिलीज हुआ था। तो यार बस आज के लिए इतना ही, आपकी इस बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ऐसा नहीं कि 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो आप सब्सक्राइब ही नहीं करने का, यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत लोग बस वीडियो को देखकर ही निकल लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मुझको एनालिटिक्स में सब कुछ दिखता है, समझे ना, तो सब्सक्राइब करो। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।